खबर आपको देंगे अभी। टट्टा साहली इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। केटी बंदर में समुद्र में तुकियानी से 3 गांव जेरे आब आ गए हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा नज़ाकत शाह से हम जानेंगे यहां की सूरत हाल। जी नज़ाकत, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त केटी बंदर के साहली इलाके में मौजूद हूं। आपको बताएं कि इस वक्त जो केटी बंदर और दीगर इलाकों में हल्की हल्की जो बारिश भी हो रही है और मुख्तलफ जो इलाके जो समंदर की तुगियानी के बाद वो जेरे आब आ गए हैं। इस वक्त तरफ जो मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, यहाँ तकरीबन 3 देहाते जो सुबह समंदर में तुगियानी के पास जेरे आब आ गए हैं। आपको बताएंगे इस वक्त जो है समंदर में जो की सतह भी बुलंद हो रही है और ये जो इलाका है वो एक नेशनल हाईवे कराची और गारो ये नेशनल हाईवे आपको देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर आपको पानी जो है वो यहाँ पर पहुँच गया है और नेशनल हाईवे से पानी टकरा रहा है। पाक बेरा, पाक आर्मी, पाक रेंजर्स और सिंध पुलिस के जवान इस वक्त इमदादी कामों में लगे हुए रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। इस वक्त आपको बताएं कि जो समंदरी सूरत हाल जो तूफान की जो बिल्कुल उनके आसार नुमाया हो चुके हैं। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, आसमान पर काली घटाएं छाए हुए हैं और लोगों में खौफ रस का समा भी छाया। बहुत शुक्रिया नज़ाकत, आप हमें ठट्टा की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। नाजिन, समुद्री तूफान के खतरात के पेश नजर रेंजर्स, पाक आर्मी और पुलिस के जवानों ने बदीन के